हेलो एवरीवन, जय श्री श्याम। इस वीडियो में बात करेंगे कैसे 4 महीने के अंदर सीए फाउंडेशन कंप्लीट प्लानिंग की जाए। देखिए, आपका सिर्फ एक ही मकसद है कि सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम है उसको हम एक श्योरिटी के साथ बैठे और उसको क्लियर करें। मतलब जब हम एग्ज़ाम देने जाएं तो हमारे पास इतना कॉन्फिडेंस लेवल हो कि एटलीस्ट व्हाटसोएवर इज़ द सिचुएशन, मेरे एग्ज़ाम क्लियर हो जाएंगे। और मैं बार बार आप लोगों को ये बात बताता हूँ कि सीए फाउंडेशन में 400 में से 200 लाना इज नॉट सफिशिएंट। वन शुड टारगेट मिनिमम 250 मार्क्स इन सीए फाउंडेशन बिकॉज इट इज समथिंग रेलिवेंट फॉर योर सीए इंटर आल्सो। चीज़ें लिंक होती हैं बहुत ज़्यादा। अगर आप 200 पे पास हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो सीए इंटर लेवल पे आपको एक परेशानी क्रिएट करता है। कैसे परेशानी क्रिएट करता है कि आपके फाउंडेशन के कॉन्सेप्ट्स कहीं ना कहीं वीक रह जाते हैं और वो इंटर में आपके लिए डिफिकल्टी क्रिएट करते हैं। अब कैसे 4 महीने में पूरी प्लानिंग की जाए। देखिए, एक मैं छोटी सी सिंपल सी बात आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप ये समझिए, सीए फाउंडेशन हो या सीए इंटर हो या सीए फाइनल हो, यहाँ बच्चे पास क्यों नहीं होते हैं। जब आप ये समझ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि पास कैसे होना है। अगर आप देखें तो सीए फाउंडेशन का जो रिजल्ट होता है वो 15-20%, इंटर का 8-10%, फाइनल भी इतना रहता है। उसके पीछे कारण ये होता है कि हम लोग तैयारी तो पूरी करते हैं, डेडिकेशन से पढ़ाई करते हैं। सीए का शायद ही कोई बच्चा होगा जो पढ़ाई नहीं करता होगा। लेकिन प्रॉब्लम यह होती है कि जब बात आती है टेस्ट की तो या तो हमारे टेस्ट होते ही नहीं हैं या हम टेस्ट खुद नहीं देते। मैं आपको अपने इंस्टीट्यूट का एक बड़ा सिंपल सा आंकड़ा देना चाहूँगा, सिंपल सा डेटा देना चाहूँगा। आउट ऑफ एवरी 1000 स्टूडेंट्स, सिर्फ मैं अगर 1000 बच्चों की बात करूँ, देर आर मोर देन 1000 स्टूडेंट्स, बट अगर मैं 1000 बच्चों की बात करूँ, उसमें से सिर्फ 300 बच्चे टेस्ट देते हैं और उसमें से 90 बच्चे पास होते हैं फाउंडेशन में। ये हमारा खुद का देखा हुआ एक सिनेरियो। अब मैं अगर 90 को डिवाइड करता हूँ 1000 से तो ओवरऑल पासिंग परसेंटेज आती है 9, जिसमें ये मैं मान के चल रहा हूँ कि 700 बच्चों जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया उनको तैयारी नहीं थी या उन्होंने डर के मारे टेस्ट नहीं दिया। तो अगर हमारे लेवल पे आपका रिजल्ट 9% आता है तो आप सीए इंस्टीट्यूट से अगर 15-20% आ रहा है तो आई थिंक बहुत अच्छा रिजल्ट सीए इंस्टीट्यूट देता है। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर 1000 में से 300 बच्चे देते हैं, उसमें से 90 बच्चे पास होते हैं, सिर्फ 9% रिजल्ट ओवरऑल। दो आपको यहाँ 30% दिख सकता है, बट इसमें से भी जो जिन्होंने नहीं दिया आप समझ जाइए। आप एक चीज़ समझिए कि आपको टेस्ट सीरीज में रेगुलर होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, ये वो बात है जो आपको कोई नहीं बताएगा। आप क्लास 12th का एनालिसिस करिए, 11th का करिए, आपके अच्छे नंबर क्यों आते थे, आप चाहे कैसे भी थे लेकिन फिर भी आपके एक 75-80% नंबर आते थे। उसका कारण हर हफ्ते या तो यूनिट टेस्ट है या फिर उसके बाद फर्स्ट एग्जाम आ गए, प्री बोर्ड्स आ गए, कोचिंग में इतने टेस्ट हो रहे हैं तो वो एक माहौल बना रहता था प्रैक्टिस का, इस वजह से आपके मार्क्स आते। तो टेस्ट सीरीज से सबसे बड़ी चीज़ ये होती है, एक तो सेल्फ एनालिसिस होता है, इसके अलावा जो सेकेंड चीज़ आपको मिलती है वो ये कि आप जो है एक रेगुलर प्रैक्टिस के अंदर रहते हैं। अब ये किस चीज तरीके से सारी चीजें पूरी हो पाएंगी, जो बच्चे एब्सोल्युटली न्यू हैं, जो अभी पढ़ाई शुरू करेंगे वो क्या करें, वो अकाउंट्स, लॉ, मैथ्स, स्टैट्स, एलआर के साथ अपनी पढ़ाई शुरू करें। सब्जेक्ट्स की जो टेस्ट सीरीज है वो फॉलो करें, इको बीसी के अभी ना करें। उसके बाद इको बीसी के कब करना है, अकाउंट्स और लॉ खत्म हो जाएगा, उसके बाद इको बीसी के जो है आप अपना शुरू करें। फर्स्ट राउंड में आपके 3 मेन पेपर्स हो जाएंगे, सेकंड राउंड ऑफ टेस्ट सीरीज में इनके आपके साथ साथ रिवीजन भी चलेगी। मैं सिर्फ बार बार एक बात यही कह रहा हूँ, आप कैसे भी पढ़ें, कहीं भी पढ़ें, लेकिन टेस्ट जरूर दें। हर चैप्टर के बाद टेस्ट होना बहुत जरूरी है। जय श्री श्याम।